राजस्थान सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की है। वित्त विभाग की ओर से इसे लेकर आदेश भी जारी किए गए हैं। प्रस्तुत है ये खास रिपोर्ट। राजस्थान के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। राजस्थान के राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों का बढ़ा डीए, 1 जुलाई से मिलेगा 12.7% की वृद्धि। अब मिलेगा 455% और 246% डीए। राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने उन कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है जो कर्मचारी पांचवे और छठे वेतनमान के दायरे में आते हैं। राजस्थान के सीएम भजन लाल सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते डीए में वृद्धि का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह निर्णय उन कर्मियों और पेंशनरों पर लागू होगा जो अभी भी पांचवें और छठे वेतनमान के दायरे में आते हैं। राजस्थान सरकार के इस आदेश के अनुसार पांचवें वेतनमान के लिए महंगाई भत्ता 433% से बढ़ाकर 455% कर दिया गया है, तो वहीं छठवें वेतनमान के लिए यह 239% से बढ़ाकर 246% कर दिया गया है। यह वृद्धि 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी, जिससे राज्य के सैकड़ों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को सीधा लाभ मिलेगा। पूर्ववर्ती सरकार ने जानबूझ करके उस रिपोर्ट को लागू नहीं किया, सार्वजनिक नहीं किया। हमने आते ही उसकी रिपोर्ट को स्वीकार किया, लागू किया और अब धीरे धीरे विभाग वाइज उसकी जो वेतन विसंगतियां हैं, प्रमोशन की विसंगतियां हैं, विभागों की विसंगतियां हैं, उसका निराकरण अलग अलग विभाग में अलग से हो रहा है। ये पहली सरकार है जिसने कर्मचारियों को उतना ही ख्याल रखा है जिसने अपनी माँ बहन भाई का रखा है और कर्मचारी इससे बहुत खुश है। राजस्थान सरकार का निर्णय राज्य सरकार के आपणो अग्रणी राजस्थान विजन के तहत प्रदेश के समग्र विकास और सुशासन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों और पेंशन भोगियों में खुशी का माहौल है। कर्मचारियों का कहना है कि राज्य सरकार ने पिछले एक साल में कई कर्मचारी हितैषी फैसले लिए हैं जिनका वो खुले दिल से स्वागत करते हैं। सभी चीजें समय से जो लागू होनी चाहिए वो सरकार की जा रही है। अभी डीए का भी जो वृद्धि हुई है वो समय से जो है बिना मांग के सरकार लागू कर देती है और एचआरए में जो वृद्धि है वो भी की गई है। कर्मचारियों की विशेष से वेतन विसंगतियां रहती है जिनको उन्होंने थोड़ा दूर किया है और उम्मीद करते हैं कि वो हमारा इसको दूर करें और हम और अच्छा कार्य करके उनकी सरकार में इस वक्त बढ़िया कार्य करेंगे। राजस्थान सरकार ने 2% बढ़ा के और शहर में वो 20% किए तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है सरकार। सरकार को वेतन विसंगतियां दूर करने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद। राजस्थान सरकार ने कहा है कि हमारे राज्य के कर्मचारी और पेंशन भोगी हमारी प्रशासनिक व्यवस्था की ऋण है। इस महंगाई भत्ते की वृद्धि से उन्हें राहत मिलेगी और उनकी मेहनत का सम्मान होगा। राज्य सरकार का मानना है कि कर्मचारी और पेंशनर्स प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से जहां कर्मचारियों को महंगाई से राहत मिल पाएगी वहीं उनकी मेहनत का सम्मान भी होगा। कैमरा पर्सन राकेश पटेल के साथ महेश दाधिच, डीडी न्यूज जयपुर।